What is up guys? इस वीडियो के शुरुआत में मैं अपनी फेवरेट चीज बताना चाहूंगा जो ये अपडेट में मुझे मिली है। ये है कि जैसे आप सपोज लॉबी में खड़े हो और आप किसी की टीम में जाना चाहते हो, जैसे आप किसी की टीम में जाओगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज मैं इसकी टीम में जा रहा हूँ निट्रो वेनम के, तो जैसे मैं टीम में जाऊंगा मुझे सुपर सेन वाला इफेक्ट मिलेगा। जी हाँ गाइस, जैसा आप देखे हो मुझे सुपर सेन का इफेक्ट मिलेगा। ये सिर्फ मतलब कॉन्कर वालों को मिल सकता है। अगर आप कॉन्कर में हो तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा। हर टाइम पे आप किसी की भी टीम में एंटर करोगे तभी आपको ये इफेक्ट दिखाया जाएगा और सामने वाले भी ये इफेक्ट देखेंगे सुपर सेन वाला आपका। आप भी देखोगे प्लस उन लोग भी देखेंगे, आपकी कुछ अलग तरीके से एंट्री होगी सुपर सेन की तरीके से। जैसे आप अपडेट मान लेते हो पबजी को, आपको मैसेज पे क्लिक करना होगा। मैसेज पे क्लिक करने के बाद मॉन्स्टर इनबाउंड पे क्लिक करना होगा और वहां आपको कलेक्ट करना होगा। जैसे आप कलेक्ट करते हो आपको ये 60 डेज के लिए यानी कि 2 महीनों के लिए आपको ये थीम मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे अप्लाई करना है। इन्वेंट्री में जाइए, वहाँ पे बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आके आपको थीम पे सिलेक्ट करना होगा और ये गॉडज़िला वाला थीम सिलेक्ट करना होगा। तो इससे क्या है कि आपकी लॉबी ऐसी हो जाएगी जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबके लिए ऑफर सबको मिलेगा, कुछ नहीं करना आपको, खाली मैसेज पे क्लिक करना और आपको ये 60 डेज के लिए फ्री में मिलेगा। जी हाँ गाइस, फ्री में आपकी लॉबी मिलेगी, हर कोई देख सकता है इसे। आपको सेटिंग्स में जाना है और कंट्रोल्स में जाना है। वहां जाके आपको टीपीपी का अलग बटन मिलेगा प्लस एफपीपी के अलग बटन मिलेंगे। यानी कि आप टीपीपी खेल रहे हो तो आपको अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो टीपीपी के लिए सिर्फ, और एफपीपी के लिए भी आप अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि आप टीपीपी खेलोगे तो आपको वो वाले बटन मिलेंगे और एफपीपी खेलोगे तो वो वाले बटन मिलेंगे। ये सही लगा मुझे। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स में आप अगर जाओगे तो अचीवमेंट्स में ना आपको कलेक्ट 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 करने की कोई जरूरत नहीं। इन लोग ने ऑलरेडी बटन दे दिया कलेक्ट ऑल का, उसे दबाओगे आप तो ऑलरेडी जितने भी कलेक्ट्स के आइटम्स है ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार पहले ऐसा कलेक्ट कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और आपको प्रोफाइल डिस्प्ले पे जाना है, वहाँ पे अवतार में जाना है। वहाँ जाके आपको बहुत सारे अवतार्स मिलेंगे, अवतार फ्रेम मिलेंगे जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। नए नए अवतार्स आए, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा वो अभी तक कंफर्म नहीं। मेरे ख्याल से क्रेड से ही मिलेगा, लेकिन परमानेंट मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको तो डिपेंड्स ऑन योर लक गाइस। तो ये वाले अपडेट में आपको वीकेंडी में फुटप्रिंट्स देखने मिलेंगे। सपोज कोई एनिमी चल के जा रहा है वो जगह से, मतलब 10-15 मिनट पहले वो जगह से होके गया है कोई बंदा, तो उसकी फुटप्रिंट्स दिखाई देगी आपको। प्लस आपकी भी फुटप्रिंट्स खुद की भी रिकॉर्ड होगी वहाँ पे जमीन पे, और किसी की भी प्लेयर की रिकॉर्ड होगी। मतलब आप पता लगा सकते हो कि यहाँ से कोई बंदा गया था एक टाइम पे। प्लस आप किसी की भी पैरों के निशान दिखेंगे वहाँ पे और गाड़ी के टायर के निशान भी दिखेंगे। ये अपडेट में सबसे बड़ी चीज है टीडीएम वेयरहाउस की। ये मैच आप खेलोगे तो आपको इसमें क्या करना होगा कि आपके टीम में 4 लोग होंगे प्लस सामने वाले की टीम में 4 लोग होंगे, बस सिर्फ 2 ही टीम होगी। ये 2 टीम के बीच में मैच होगा, तो जिसके सबसे पहले 40 किल होंगे वो टीम जीत जाएगी। इसमें कंटिन्यूसली आप मार सकते हो, जैसे आप मरोगे वापस स्पॉन हो जाओगे। मतलब छोटा सा मैप रहता है, सिर्फ 2 ही टीम होती है, एक आप और वो, आप 4 लोग वो 4 लोग। जिसके ज्यादा किल होंगे 10 मिनट के अंदर वो जीत जाएंगे, या तो जिसके 40 किल पहले होंगे वो जीत जाएंगे। और इसमें हीलिंग आप ऑटोमेटिकली होती है, 20 सेकंड में हील टोटली फुल हो जाएगा आपका। जैसा आप मैं स्क्रीन पर देख रहे हो टोटली फुल हील हो जाएगा आपका प्लेयर, ऑटोमेटिकली हील करेगा। आपको सिर्फ गेम पे ध्यान देना है। आपको गन्स ऑटोमेटिकली मिल जाती है स्पॉनिंग के टाइम पे ही, वहां पे सामने आपके गन्स पड़ी हुई रहती है, आप कौन सी भी गन पिकअप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 5 सेकंड्स मिलते हैं एरिया चेक करने के लिए। जैसा आप देख रहे हो टोटली मेरे सामने गन्स रखी हुई है। तो यहाँ पे पबजी वालों ने एक बटन डाला है, सेटिंग्स में जाना है, बेसिक्स में आना है, वहाँ पे आपको जंप क्लाइम में आके सेपरेट का बटन क्लिक करना है। फिर सपोज आपका ये वॉल है, वॉल के जगह आपको क्लाइम करना है, लेकिन आपका क्लाइम होगा नहीं क्योंकि क्लाइम के लिए अलग बटन आ चुका है अभी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आप जंप कंटिन्यूस भी मारोगे ना तो भी आपका बंदा खाली जंप ही मारेगा, क्लाइम नहीं करेगा इस वॉल को। आपको क्लाइम के लिए अलग सा बटन दबाना पड़ेगा इस बार। ये क्यों इन लोग ने डाला है, क्योंकि अब सपोज आपके वॉल के सामने कोई एनिमी खड़ा है और आपको टीपीपी लेना है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, जंप मारते रहते थे टीपीपी लेने के लिए, लेकिन जंप के चक्कर में हम गलती से क्लाइम कर लेते थे और एनिमी के सामने आके खड़े हो जाते थे, वो एनिमी हम पे पूरा स्प्रे मार देता था तो हम मर जाते थे। इसलिए हम लोग ने इस बार क्लाइम का बटन अलग से दिया ताकि आप टीपीपी लेने के चक्कर में मर ना जाओ। आप क्लाइम जब दबाओ तभी ये बंदा क्लाइम ले। इसलिए अगर आपको ऑप्शन अच्छा नहीं लगता तो आप नॉर्मली उसे बोथ पे रखिए बस। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो उसे सेपरेट पे रखिए, तब जाके आप क्लाइंब और जंप अलग अलग बटन यूज कर सको। और एक और चीज चेंज हुई, आपको इवेंट्स में जाओगे तो ये पूरा पेज चेंज हो चुका है इवेंट्स का। इन लोग ने टोटली अलग कर दिया है, एक थीम पेज बनाया है इन लोग ने इवेंट्स में और एक टाइम लिमिटेड बनाया है। और थीम पेज में तो नॉर्मली सब चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन टाइम लिमिटेड में आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए होता है जो इवेंट्स, जैसे कि 30 डेज के लिए वर्ल्ड कप है,
फिर मॉन्स्टर पर्जल है, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वही यहाँ पे टाइम लिमिटेड सेक्शन में दिखाया गया, जैसे वीकली लॉग इन ये सब। तो आपको याद होगा कि पबजी में एक फ्लेम करके चीज थी, जो फ्लेम करके आप किसी की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग ने नया चीज डाले, चिकन। आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि चिकन क्या है, चिकन बाइक और ये गाड़ी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सपोज आप किसी की प्रोफाइल पे गए हो, किसी भी बंदे के, जैसे कि मैं हंटर क्रिएटर्स की प्रोफाइल पे हूँ, और यहाँ जाके मैं इसकी गिफ्ट रिसीव चेक कर सकता है। इस बंदे को 8 चिकन मिले और ये 5 मिला है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी और को भेजना होगा ये, और इसमें से आपको फ्री वाला है ना हर रोज एक मिलेगा, तो आप किसी इंसान को एक फ्री में दे सकते हो ये वाला चिकन। लेकिन दूसरे सब चिकन एक बीपी में मिलता है, एक सिल्वर फ्रेगमेंट में मिलता है, और एक यूसी में मिलता है स्कूटी, और एक गाड़ी मिलता है 100 UC में, और दूसरा बाइक मिलता है 10 UC में। आप किसी को भेज सकते हो और उसके थ्रू उनकी पॉपुलैरिटी बहुत इंक्रीज होगी। 50 फ्लेम मिलेगी उन लोगों को ऑटोमेटिकली, 50 फ्लेम, और यूसी खर्च करके उन लोगों को 50 फ्लेम मिलेगी, 10 UC में उन लोग को 50 फ्लेम प्लस 100 UC में उन लोगों को 100 फ्लेम, ऐसा बहुत करके आप कैटेगरी देख सकते हो। बीपी में भी आप किसी को दे सकते हो, खर्च करके आपकी खुद की बीपी वेस्ट होगी उसमें, आप किसी को पॉपुलैरिटी दूसरे को देनी होगी आपको, ठीक है। तो इतना याद रखिए, आपका खुद का खर्च होगा, उनका खर्च नहीं होगा, आपका खुद का खर्च होगा, बीपी या यूसी या सिल्वर फ्रैगमेंट कॉइंस। तो आप किसी और की पॉपुलैरिटी वैसे करके बढ़ा सकते हो, यह नया फीचर आया पबजी में। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। तो शुक्रिया गाइज अभी तक ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। प्लीज प्लीज मुझे 100K तक पहुंचा दीजिए, महीने का मेरा टारगेट है कि मैं 100K तक पहुंच पाऊं। तो प्लीज़ सिर्फ 15,000 बाकी है, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना। थैंक यू गाइस अभी तक ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।